इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने अंदर ये है कि एक मस्जिद के अंदर तो मुकम्मल हाफिज साहब हैं और एक मस्जिद के अंदर जो हाफिज साहब हैं वो कुछ पारे इन्होंने हिफ्ज किए हैं, मुकम्मल नहीं है। तो इनमें से दोनों में से किसकी इमामत जो है वो ये पूछते हैं बेहतर है, यानी कहाँ नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। आप दोनों मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर दोनों अकीदे के एतबार से सहीउल अकीदा सुन्नी हैं और मसला के आला हजरत वाले हैं, तो ऐसी सूरत में दोनों के पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अब रहा मसला ये कि इमामत इनमें किसकी बेहतर है, तो इमामत की शराइत के अंदर हाफिज़ का होना ये शर्त नहीं है, यानी ये लाजिम नहीं है कि कोई शख्स मुकम्मल हाफिज़ हो वही इमामत कर सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको कुछ पारे हिफ्ज हैं तो वो भी इमामत कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात या इमामत के लिए ये चीज़ रुकावट नहीं है कुरान पाक का हिफ्ज ना होना। और इसमें बेहतर ये होता है, यानी इमामत के अंदर सबसे बेहतर वो है कि जो तहारत के और नमाज के मसाइल ज़्यादा जानता हो, तो इन दोनों में जिसको तहारत के मसाइल, वज़ू गुस्ल पाकी नापाकी वगैरह के मसाइल पर ज़्यादा जिसकी पकड़ हो, इसी तरह नमाज के मसाइल, मुफसिद आते नमाज, नमाज कब टूटेगी, वाजिबात नमाज का जिसको इल्म ज़्यादा हो, तो इन दोनों में फिर बेहतर इमामत के लायक वही शख्स है। हाँ, अगरचे दूसरे मसाइल में दूसरा बंदा ज़्यादा जानता हो, मसलन ये कि जो कम पारे जिनको हिफ्ज़ हैं उनको तहारत और नमाज के मसाइल बहुत अच्छे जानते हैं और बिल्कुल दुरुस्त भी जानते हैं, और दूसरे जो हाफिज़ साहब हैं वो तिजारत के मसाइल यानी ख़रीद फरोख्त के ज़्यादा जानते हैं या तलाक़ के मसाइल ज़्यादा जानते हैं, तो इन दोनों में भी के जो तहारत और नमाज से मुतालिक मसाइल ज़्यादा जानता है उसकी इमामत ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि नमाज के अंदर पेश आने वाले मसाइल जो होंगे वो नमाज के होंगे या तहारत के होंगे, ना कि तलाक के होंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि महज वो हाफिज़ कुरान होते हैं तो उनको नमाज के मुफसिदात का इल्म नहीं होता, और बाज़ मामलों में वो नमाज को फासिद कर देते हैं, नमाज को ख़राब करते हैं, तो जिसकी वजह से तमाम मुक्तदियों की भी नमाज ख़राब होती है। तो इसीलिए हाफिज़ का होना शर्त नहीं है, बल्कि मसाइल देखे जाएंगे कि जिसको तहारत का और नमाज के मसाइल का ज़्यादा इल्म हो, ज़्यादा जानने वाला हो नमाज के मामले में, वही ज़्यादा हकदार है यानी इमाम बनने के एतबार से, और चाहे उसके चंद पारे हिफ्ज़ हों या मुकम्मल हाफिज़ हो। हाँ, मुकम्मल हाफिज़ अगर मुकम्मल हाफिज़ भी है और साथ में मसाइल अपनी तहारत के, वज़ू गुस्ल और नमाज के भी ज़्यादा जानता है, और एलानिया फासिक के मौलिन भी नहीं है, और कोई ऐसा उसमें फेल भी नहीं है कि लोग जिसकी तरफ उंगली उठाएं, ये ऐसा कोई नाजायज़ खिलाफ शरा काम नहीं करता, तो फिर वो हाफिज़ भी बेहतर है, यानी मुकम्मल हाफिज़ के जो मसाइल और नमाज के तहारत और नमाज के मसाइल जानते हों। पत्थर में हसन लाले पुरनवार